अब हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ फाइनल फाइनल अर्थमेटिक। अर्थमेटिक मीन फॉर ग्रुप बेटा फॉर ग्रुप डेटा। पहले हमने अर्थमेटिक मीन फाइंड की, पहले वीडियो में हमने अर्थमेटिक मीन फाइंड की थी, वहाँ पे ग्रुप डेटा नहीं था, मतलब किसकी मार्क्स थी एक डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। अगर तीन स्टूडेंट्स से उसकी उन तीनों की मैथ मैथ की ले लें, बायोलॉजी की ले लें, चलो केमिस्ट्री की ले लें, फिज़िक्स की मार्क्स ले लें, तो ये चीज़ें जो हैं ग्रुप डेटा में आती हैं। मतलब एक वेरिएबल की फ्रीक्वेंसी हो, मतलब वो बार बार रिपीट होता रहे, एक स्टूडेंट की मैथ में मार्क्स, दूसरे स्टूडेंट की मैथ में मार्क्स, तीसरे स्टूडेंट की मैथ में मार्क्स। चलो एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, अगर हमें कोई कहता है कि वन वन टू फाइव वन टू एट नाइन फाइव थ्री वन टू सिक्स फाइव सिक्स नाइन टेन, इन इसकी एवरेज बताएं, तो कैसे बताएंगे इसको? हम पहले ग्रुप डेटा में करेंगे, क्योंकि वन यहाँ पे रिपीट हो रहा है, रिपीट हुआ है, टू भी रिपीट हो रहा है, फाइव रिपीट हो रहा है, मतलब जो जो नंबर रिपीट हो रहे हैं ये हम ग्रुप डेटा में इनको आसानी से ग्रुप डेटा से सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर हमारे नंबर्स हैं, वेरिएबल्स हैं, एक्स हैं, एक्स वन है, एक्स टू है, एक्स थ्री है, एक्स फोर है, अप टू एक्स एन है, एंड दे आर रिपीटेड एंड देयर फ्रीक्वेंसी, अगर उनकी फ्रीक्वेंसी है एफ वन एफ टू एफ थ्री एफ फोर अप टू एफ एन, तो अर्थमेटिक कैसे फाइंड करेंगे? अर्थमेटिक फाइंड करेंगे द प्रोडक्ट ऑफ द सम ऑफ ऑल एफ एक्स, मतलब जो भी नंबर है उसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लीकेशन, सम ऑफ ऑल एफ एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज जैसे कि अर्थमेटिक मीन, इसको हम एक्स बार से शो करते हैं, ये हो गया एफ वन एक्स वन प्लस एफ टू एक्स टू प्लस एक्स थ्री अप टू एफ एन एक्स एन डिवाइडेड बाई एफ वन प्लस एफ टू प्लस एफ थ्री अप टू एफ एन। तो एक्स बार इट मीन्स दैट अर्थमेटिक मीन हो गई समीशन ऑफ एफ एक्स ओवर समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज, ये हो गई फार्मूला ग्रुप डेटा की अर्थमेटिक पॉइंट करने का फार्मूला। अब हम एग्जांपल लेते हैं, टू हंड्रेड स्टूडेंट्स की हाइट की एग्जांपल लेते हैं। अगर हाइट और दूसरा स्टूडेंट, अगर 28 स्टूडेंट्स 28 स्टूडेंट्स की हाइट 30 से 32 तक, 30 से 35 तक, अगर 32 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिसकी हाइट्स 35 टू 40 है,
36 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिसकी आई 42, 45 है, 46 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिसकी हाइट है 45 to 50, 36 ऐसे स्टूडेंट हैं जिसकी हाइट है 50 to 55, और बाय 22 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिसकी हाइट 55 to 60 इंच है। अब हम टेबल बनाते हैं, एक टेबल बनाते हैं। ये हो गया हाइट, मिड पॉइंट, फ्रीक्वेंसी, ये हो गया एफ एक्स। हाइट कितनी है, 30 से 35, तो इन दोनों की मिड पॉइंट क्या होगी, 32 to 5। एवरेज क्या होगी, ये मिड पॉइंट एवरेज को कहते हैं ना, एवरेज 32.5। ये कितने स्टूडेंट्स की हाइट है, 28। फ्रीक्वेंसी क्या है, 20s। एक स्टूडेंट नहीं है जिसकी 32.5, ये 28 स्टूडेंट, 28 स्टूडेंट्स की है। और दूसरा 35 to 40, इसकी जो मिड पॉइंट है वो हो जाएगी 37.5। ये 32 स्टूडेंट्स हैं, ऐसे स्टूडेंट 32 हैं जिसकी 37.5 के नज़दीक उसकी हाइट है। अब आ जाएँ 42 45, इसका एवरेज हो जाएगा 42 to 5। ये 36 स्टूडेंट्स हैं, 45 to 50, ये हो गया एवरेज फॉर मिड पॉइंट 47.5, ये 46 स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, अब आ जाए 55 की हो गई 52.5, ऐसे 52.5 के ऐसे स्टूडेंट है 36 ऐसे स्टूडेंट्स है जिसकी हाइट है 25.5 नज़दीक। अब आ गया 55 to 60 में, ऐसे ये हो गया मिड पॉइंट 75.5, और ऐसे 22 स्टूडेंट्स हैं। तो एफ एक्स, अब एफ एक्स क्या होगा, मतलब फ्रीक्वेंसी और मिड पॉइंट को मल्टीप्लाई करेंगे, 32.5 और 28 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 910, 37.5 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1200। 1242 को मल्टीप्लाई करेंगे 36 से, ये हो जाएगा 1530। 47 को 46 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 2185। 2185, 2185 हो गया, ये हो गया 2185। अब करेंगे 52.5 को 36 से मल्टीप्लाई तो ये हो गया 1890। अब करेंगे 57 को 57.5 into 22, ये हो गया 1265। अब हमारे फार्मूले में क्या क्या चीज़ चाहिए, एक समीशन ऑफ एफ एक्स, मतलब ये इसका सम, ये हो गया समीशन ऑफ एफ एक्स, और समीशन ऑफ एफ एक्स, समीशन ऑफ एफ एक्स कैसे फाइन करेंगे, ये सारी चीज़ें 910, 1200, 1530, 2185, 1290, 1265, ये हो गया 8980। और दूसरी चीज़ क्या चाहिए, समीशन ऑफ
ऑफ फ्रीक्वेंसीज, तो फ्रीक्वेंसी ये है, इसका भी हम सम करेंगे 28, 32, 36, 46, 36, 22, ये हो गया 200। अब इसकी एवरेज फाइंड करेंगे, समीशन समीशन ऑफ एफ एक्स 8980 डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज 200, तो 200 से 8980 को 200 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 44.90 inches। तो अब 200 स्टूडेंट्स की जो एवरेज उनकी जो एवरेज हाइट है वो 44.90 inches है। ये है ग्रुप डेटा के एग्जांपल। थैंक यू।